डू यू नो मैं तेनू कितना प्यार करदा डू यू नो तेरे लिए मस्टैंग ले ली डू यू नो ओहो नो इस वीडियो में मैं चैलेंज करने वाला हूँ हमारे मुंबई के जो टू इडियट्स है जो प्रेजेंट है अच्छा। गोलू और समृद्ध को कि ये अक्षय कुमार की पिक्चर तो थिएटर में बुक करूंगा। हेलो वन मनी में दिग्विजय वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 15 अगस्त को अक्षय कुमार की पिक्चर आने वाली है खेल खेल में और उसके ट्रेलर का रिव्यू आप लोगों ने देखा हमारे आम आदमी क्रिटिक विजय जी का हमारे मुंबई की थ्री इडियट्स का देख लिया है और अब एक गाना रिलीज किया है इन्होंने। इसके पहले भी दो तीन गाने आए लेकिन अब ये वाला गाना जो है वो रीमेक गाना है दिलजीत दोसांझ का नाम है गाने का डू यू नो। तो हमारे गोलू एंड समृद्ध और मैं आज इनको ज्वाइन किया है मैंने हमने सुना ये गाना जान के लेंगे गोलू से कि ये जो रीमेक किया है गाना कैसा लग रहा है। सर जी एक्चुअली ये गाना बहुत मतलब बहुत प्यारी मेलोडी म्यूजिक है इसकी और जो गाना दिलजीत भाई ने गाया है बहुत ऐसा लग रहा है ओरिजिनल एल्बम की बात करो ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी लड़की को सामने रख के वो गाना लिखा गया है। इतना प्यारा गाना सर जी उसका एल्बम आज भी देखो कि मिलियन में व्यूज है और मिलियन में लाइक्स गाके डू यू नो मैं तेनू कितना प्यार करदा डू यू नो तेरे लिए मस्टैंग ले ली डू यू नो। भाई ये गाना सब लोग सुनना ओरिजिनल गाना जो दिलजीत भाई का एल्बम का है वो सुनना उसका म्यूजिक सुनना आप खुद जानोगे कि इन्होंने क्या ही क्रिंज बनाया है। ओ माय सर जी गाना नो डाउट दिलजीत भाई का आवाज के लिए मैं सबको बोलना चाहूंगा कि हमारे गोलू के कान काफी अच्छे है वो गाने अच्छे से पकड़ लेता है कि ये गाना अच्छा है ये गाना चल सकता है। यस तो ये गाना सुन के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया है कि क्या ही डिजास्टर गाना बना दिया। क्योंकि सर जी ये ना एक गाने का एक रिदम होता है जो मेलोडी होती है ना अगर तुम उसको अलग जॉनर में डाल दोगे ना सर जी वो गाना कभी कभार एक्सपेरिमेंटल में अच्छा लगता है बट ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है लाइक समथिंग इन लोगों ने रेट्रो ड्रिल टाइप बनाया ऐसा लगा जैसे सिर्फ क्लब के लिए बना एक्चुअली क्लब के लिए गाना था ही नहीं लेकिन एक दाद देना चाहता हूँ सेट इनका बहुत अच्छा है क्लोथिंग अच्छी की इन्होंने कपड़े अच्छे पहने डांस भी अच्छे किए लेकिन कहीं ना कहीं ये जो म्यूजिक था बहुत आउटडेटेड लगा दिलजीत भाई ने ही दिए। लेकिन दिलजीत भाई को मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपके पास जब भी कोई बॉलीवुड का गांडू आता है गाना मांगने के लिए आपके गाने रीमेक करके मत दिया करो उनके शो के लिए कुछ नया बना के दिया करो जो सच में सर आपके जितने हम तहे दिल से बड़े फैन है उनको भी कुछ मजा आए कि हाँ दिलजीत भाई का जो गाना था नैना आज भी सुनते हैं यार क्या गाना था नैना भले पिक्चर डिजास्टर थी लेकिन गाना अच्छा था यार। चलो ठीक है समू कैसा लगा ये गाना डू यू नो। अभी मैं बोलूंगा तो दंगा हो जाएगा सर दंगे हो जाएंगे सर। अच्छा अक्षय कुमार के फैन मेरे से कितना प्यार करते हैं मालूम है बहुत 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 ज्यादा है प्यार अक्षय के फैंस का। तो थोड़ा एक लाइन बोलना चाहूंगा सर इरशाद डू यू नो अक्षय कुमार फ्लॉप दे रहा है डू यू नो अक्षय कुमार क्या कर रहा है डू यू नो बस इतना याद है मुझे। सर अभी ये डू यू नो बोलने से पहले ये तुम लोग को यही चीज मालूम नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो यार ये गाना रीमेक कर रहे हो और वो भी अक्षय पाजी का तो है ही अभी रीमेक किंग ही मन से बोल सकते हैं उनको कि हर वक्त पिक्चर का रीमेक पिक्चर में रीमेक परफेक्ट स्ट्रेंजर्स की बहुत सारे दूसरे दूसरे लैंग्वेजेस में भी बन गई है यस 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 और मुद्दा सर अजीज बना रहे हैं यार इज अ डिसेंट डायरेक्टर ऐसा कुछ उन्होंने बड़ी फिल्म तो दी नहीं वो कार्तिक आर्यन के साथ वो क्या पति पत्नी और वही दी थी कॉन्सेप्ट अच्छे रहते थे हमेशा। अरे कॉन्सेप्ट गया तेल लगाने लगा इतना अक्षय कुमार कितना भी कॉन्सेप्ट ला ज्यादा कुड़े किधर चलते हैं यार। देखो हमारे जो यंगस्टर्स है मुंबई के थ्री इडियट उनको ये ट्रेलर बिल्कुल पसंद नहीं आया था लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेलर मेरे को थोड़ा सा अबव एवरेज लगा। हाँ जिस तरह से उन्होंने नो वो जो खेल खेल रहे हो फोन वाला वो जो दिखाया था वो मेरे को थोड़ा ठीक ठाक लग गया था। तो आज दोस्तों ये नो इस वीडियो में मैं चैलेंज करने वाला हूँ हमारे मुंबई के जो टू इडियट्स है जो प्रेजेंट है अच्छा। गोलू और समृद्ध को कि ये अक्षय कुमार की पिक्चर चलने वाली है और बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ 100% 15 अगस्त को रिलीज होने के बाद में कब आएंगी। एक मिनट फर्स्ट डे के बात कर रहे हो सर आप? नो नॉट फर्स्ट डे वो शाहरुख खान थोड़ी अक्षय कुमार भी इसी के लिए अटक गई थी मतलब 15 अगस्त को रिलीज होने के बाद जब तक पिक्चर चलेगी 50 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे कमाएगी अक्षय के लिए 50 करोड़ जाना बहुत मुश्किल हो रहा है तो इसलिए मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ कि ये पिक्चर 50 तक जाएगी क्योंकि सरफिरा इतनी अच्छी पिक्चर होने के बाद भी 10-12 में निपट गई है। यस समू 50 करोड़ पिक्चर जाने वाली है इस बार अक्षय की चलने वाली है और काफी अच्छा प्रमोशन चल रहा है अभी बीच में हाजी अली दरगाह भी जाके आए 1 करोड़ 21 लाख डोनेशन दे के आए वहाँ पे
उसके रिनोवेशन के लिए, और काफी सारा अभी पूना में भी एक इवेंट किया है। क्या लग रहा है, तुम तो सबसे बड़े फैन हो अक्षय के। देखो सर, मैं फैंस के फैन हूँ। देखो मैं जेन्युइनली बोल, मैं अभी जो जो भी मैं जेन्युइनली बोलता हूँ सर, देखो अक्षय कुमार का मैं हेटर तो हूँ नहीं। अक्षय कुमार का मैंने लास्ट टाइम हुआ था ड्राफ्ट नीचे गिर रहा है, ट्रेलर का कोई बज नहीं था, फिल्म का भी कोई बज नहीं है, भले वो लोग कितना भी प्रमोशन करे। सेल्फी के टाइम पे भी बहुत प्रमोशन किया था सर, सरफिरा का भी प्रमोशन किया, लेकिन ओपनिंग तक नहीं आई। अभी हे बेबी का भी थोड़ा सा एंगल डाल रहे हैं, एक रील बनाया है बराबर। अभी तो आप मुझे एक सर, मुझे एक बात बताओ, बॉक्स ऑफिस ये ऐसे एक चीज है ना कि उसमें पिक्चर चलती है और गिरती भी है, तो आप बोल रहे हो कि 15 अगस्त को ये मारेगी पिक्चर। हाँ, ओपनिंग देखो 5-6 करोड़ का ओपनिंग, हाँ, हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं 5-6 करोड़ का, एटलीस्ट मैं कर रहा हूँ 5-6 का प्रेडिक्शन है इस पिक्चर के लिए, क्योंकि इसकी जो पिछली पिक्चर आई है वो 5 करोड़ की भी ओपनिंग नहीं ले पाई इसके है। लिए तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पॉजिटिव रह रहा हूँ अक्षय कुमार के। देखो सर, अभी आप बोल रहे हो ना 5 करोड़, तो चलो मैं मानता हूँ कि जब 5-6 करोड़ का ओपनिंग आएगा सर, लेकिन स्त्री है ना, स्त्री 2, श्रद्धा कपूर का पल्ला थोड़ा भारी है सर। वो तो दोनों पिक्चरों के साथ में, नहीं वेदा का ये भी उससे भारी है और खेल से भी भारी स्त्री है। चलो सर, आप मुझे बोल रहे हो ना कि ये 50-55 जाएगी, तो मैं बोलता हूँ ना अपने 80 तक ने, अक्षय कुमार ने ये टाइम पे 15 अगस्त के दिन 80 के ऊपर गए ना ये 15 अगस्त के वीकेंड पे, तो थिएटर में बुक करूंगा। वीकेंड तक 80 नहीं जाएगा, मैंने बोला जब तक की थिएटर में चलेगी पिक्चर तब तक 50 तक क्रॉस करेगा इस बार अक्षय, और अगर 60 कर लिया हाँ, तो फिर तुम पूरा थिएटर बुक करोगे कभी भी हो किधर भी। देखो देखो सर, देखो 60 है ना, 60 चलो 60 तक तो जाएगी पिक्चर, मैं बोलता हूँ 60 तक तो गई चलो, लेकिन क्या है ना ये बड़े बड़े फिल्म्स है सर, स्त्री है, वेडा है, और ये डबल स्मार्ट, उन लोगों को स्क्रीन नहीं मिलेगा उनका तो छोड़ ही दो, उनका तो नामो निशान नहीं, लेकिन ये तीन पिक्चर बड़े तो 60 करोड़, 80 करोड़ गई ना तो मैं थिएटर में बुक करूंगा, भले ऑडियंस हो या ना हो। समूह ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि 80 करोड़ अगर पिक्चर जाती है तो पूरा थिएटर बुक करेगा। गाना दोनों को डिजास्टर लगा है, मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगा ये गाना, लेकिन जो फील है, सेटिंग है, कोरियोग्राफी है, कॉस्ट्यूम्स है, एक्टर्स एकदम फ्रेश लग रहे हैं। और सर जी बात कर रहे हो ना कि ये थिएटर बुक करेगा, मैं बात करता हूँ अगर पूरे पिक्चर का पैसा खेल खेल में कमा लिया अक्षय पाजी ने, रिव्यू करना छोड़ दूंगा। अरे बाप रे, चलिए अभी हम देखते हैं बजट क्या है सब है, और रिव्यू में मैं भी खड़े रहूंगा इनके साथ में जो दिन पिक्चर रिलीज होने वाली है 15 अगस्त। यस, और बहुत ऑनेस्ट रिव्यू आएगा हमारे। यस, चलो थैंक यू गाइस। यस, पिक्चर अगर कमा भी लेगी मैं नहीं मानता, मैं रिव्यू छोड़ूंगा। बाय।